दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 1979 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है दिल का हीरा। और इस मूवी के लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सचिन पिलगांवकर, पिंछू कपूर, अभी भट्टाचार्य, प्रकाश गिल और सत्यन कपूर। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दुलाल गुहा ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विद्वान वी लक्ष्मणन। आप बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है रजत यानी धर्मेंद्र से, जो एक बेहद काबिल और ईमानदार कस्टम ऑफिसर है। और वो अपने बेटे मुन्ना और छोटे भाई कुंदन यानी सचिन पिलगांवकर के साथ रहता है, और रजत के घर का ख्याल रखती है रूपा उर्फ परी रानी यानी हेमा मालिनी, जो रजत की पत्नी के गुजर जाने के बाद से ये जिम्मेदारी संभाल रही है। और फिर कहानी अपना असल रुख तो तब लेती है जब रजत हिंदुस्तान में डायमंड स्मगलिंग को तकरीबन नामुमकिन बना देता है, और फिर इस सबसे नाखुश स्मगलर्स रजत को फंसाने का एक प्लान बनाते हैं, जिसे जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। आप बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में, तो दिल का हीरा एक इम्प्रेसिव डायरेक्शन के साथ बनी फिल्म है, जहां डायरेक्टर दुलाल गुहा ने अपनी काबिलियत का एक शानदार नमूना हमें इस फिल्म के ज़रिए दिखाया। और इस फिल्म की प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग भी बेहद रियलिस्टिक और मैच्योर रखी गई है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव साबित होती है। इसके अलावा फिल्म की स्क्रीन प्ले राइटिंग भी काफ़ी मजबूत है, जो फिल्म को कहीं भी लूज नहीं पड़ने देती। और फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहद खूबसूरती के साथ लिखा गया है, जहां फैमिली ड्रामा के साथ साथ स्मगलर्स की प्लानिंग भी अपने आप में ही आइकॉनिक है। और फिल्म का सेकेंड हाफ भी काफ़ी फास्ट पेस्ड है, जो हमें टोटली इम्प्रेस कर जाता है और हमें एंड तक कहानी से जोड़े रखता है। और बात करें डायलॉग्स की, तो फिल्म के डायलॉग्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जहां धर्मेंद्र अपनी पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से इन डायलॉग्स को काफ़ी अच्छे से डिलीवर करते दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म के एक्शन सिक्वेंसेस भी काफ़ी बढ़िया हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। और बात करें म्यूज़िक की, तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर तो काफ़ी अच्छा है, मगर इस फिल्म का साउंड ट्रैक एवरेज साबित होता है। आप बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो धर्मेंद्र की ये परफॉर्मेंस उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे अपने इस किरदार को भी बेहद इम्पैक्टफुल बनाया और शानदार परफॉर्मेंस दी। और बात करें पिंछू कपूर की, तो वो भी इस फिल्म में एक शातिर स्मगलर के किरदार में काफ़ी आइकॉनिक लगे, और उनकी परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच रही। इसके अलावा हेमा मालिनी और सचिन पिलगांवकर के साथ साथ फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो दिल का हीरा एक एंटरटेनिंग मूवी है, जिसे एक वेल स्क्रिप्टेड और वेल डायरेक्टेड मूवी कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, दिल का हीरा मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा। आप सब भी इस शानदार मूवी को ज़रूर देखिएगा।